तो दोस्तों स्वागत है आपका इग्नू वाला में। जैसे आपको पता है BHDC का एग्जाम जो है आपका 20 तारीख को है। कोड की बात करूँ तो 132, ठीक। आपको पता है कि इग्नू में बहुत सारे कोड हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगाइए, क्या सारे कोड हम करा सकते हैं? पहली बात तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं। देखिए ऑलराउंडर अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं होता, ऑलराउंडर, ठीक। तो बस हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको जो चीज़ें हम करा सकते हैं वो आपको कराएं, लेकिन थोड़ी चीज़ें आपको भी तो समझनी पड़ेगी। हम खाली आपको इतना बता सकते हैं पेपर कैसा करना है, ये क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। मान के चलिए आप चार साल के क्वेश्चंस पेपर देख रहे हो, हम आपके लिए इतना कर सकते हैं कि उसमें से जो क्वेश्चन रिपीटेड हुए उन्हें आपके सामने ला सकते हैं। लेकिन इतना काम तो आपका है कि आप उसमें से पढ़ें और उसको रिवाइज करें, चाहे उसे रटें। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। जो चीज़ें हमें लगती है, जैसे सर की कॉन्सेप्ट क्लास जो होती है, जो चीज़ उसमें होती है आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, उसे तो हम करवा देते हैं। लेकिन जब कुछ चीज़ें ऐसी आती है, भक्तिकाल, रीतिकाल, कबीर, अब बताइए इन सब के बारे में इतने डिटेल में पढ़ना, तो ये चीज़ें हमें याद ही करनी पड़ती है। इनके बारे में कॉन्सेप्ट क्लास जिसका भी पॉसिबल होगा उसका बनाया जाएगा, ठीक। और आपको जो भी समझ में आता है आप वो क्लास लें, लेकिन बाकी क्वेश्चन पेपर आपको कराए जाएंगे। जो भी कमेंट आपकी आएगी, क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जाएगा, ये पेपर था, और पूरा का पूरा निचोड़ उसमें बताया जाएगा, ये क्वेश्चंस आए थे, ठीक। तो बात करूं आपके कोर्स कोड की, तो देखिए BHDC 132 है, ठीक। पेपर की बात करूं, अभी आने वाला है इसका, और ये आपका जून 2022 का मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं। मार्क्स आपके नंबर की बात करूं तो 100 नंबर का पेपर होगा, और समय मिलेगा आपको 3 घंटे का। कितने का मिलेगा? 3 घंटे का। चलिए जो आपका फर्स्ट सेक्शन है, बात करूँ पार्ट ए की, तो उसमें से 4 क्वेश्चन आपको, 4 क्वेश्चन करने हैं कंपलसरी। यूँ नहीं है कि आप एक ही करना चाहते हो, नहीं, 4 क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं कंपलसरी। ये यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि आप वहाँ पढ़ते पढ़ते कभी कभार इतना फ्लो में बह जाते हो कि आपको यही नहीं पता होता कितने करने हैं। ये देखिए अनिवार्य मीन्स होता है आपका कंपलसरी, जो आपको करने ही करने हैं, ठीक। तो पहला आपको पता है ये दोहा आएगा आपके लिए, ये आपको लिखना ही लिखना है, कोई भी एक जो आपको लगे इसे आप कर लेंगे कंप्लीट एकदम। जो इसे ट्रांसलेट कर पाए उसके लिए वेल एंड गुड है, इस पर चाहे जितने स्टार लगा लो उतने कम है। ये आपका फिक्स है, ये क्या है? फिक्स है, ये आपका आना ही आना है, आना ही आना है। इसे आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हमने चेक करें ये सब में 100% आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। तो आपकी शुरुआत यहीं से ही होगी। अगर आपको ये नहीं आता तो डरना बिल्कुल नहीं है, इसे स्किप करके अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, लेकिन इससे तुम नहीं बच सकते, इससे तुम नहीं बच सकते। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो भक्तिकाल, आपको भक्तिकाल की विशेषताएं बताई हैं। भक्तिकाल के बारे में थोड़ा सा आपको पता हो तो आपने पता होगा कि आपको मीराबाई के बारे में आपको पता होगा, पता है आपको तुलसीदास के बारे में आपको पता होगा, ठीक। तो कुछ भक्तिकाल के जो हमारे कवि हैं, मीराबाई हो गई, चाहे वो तुलसीदास हो गए, चाहे वो, ठीक। तो भक्तिकाल के कुछ कवि थे, इनकी रचनाएं क्या थी, और थोड़ा सा इनके बारे में आपको इंट्रो तैयार कर लेना है। इंट्रो लाइक कैसे, इनकी जो मान के चलिए आपका प्लेस कौन सी जगह पर, और इनका क्या हुआ, इनका जो आपका DOB लाइक कब इनका जन्म हुआ, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो ये इंट्रो आपको याद करना है। अगर आप 3 से 4 पॉइंट भी आपको बना लो, जैसे मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलते हो, सर नाम बोलते हो, एज बोलते हो, और आपका क्या होता है, आपका प्लेस होता है, और आप कहाँ के रहने वाले हो, आपकी लैंग्वेज क्या है। तो 3 से 5 4 से 5 चीज़ें आप किसी भी क्वेश्चन में याद कर सकते हो। ये तो आपको रटना पड़ेगा कि कवि का नाम क्या है, उसका जन्म कहाँ पर हुआ, और वो किस किस भाषा पर उसका अधिकार था। जैसे बात करें लैंग्वेज की, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, ठीक। तो ये दो मेरी है, ऐसी कवियों की क्या है, उनकी उसकी ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है ना, संस्कृत है, कोई सी भी भाषा, तो आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी। तो भक्तिकाल की जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में आपको क्वेश्चन बताने, अगर पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे तो 4 से 5 विशेषताएं आपको आराम से मिल जाएंगी, ठीक। इसके बारे में मैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस आप क्या है उन्हें आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये देखिए रीति काव्य का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, और रीति काव्य के प्रमुख भेदों पर प्रकाश डालिए। रीति काव्य क्या है इसके बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी है, और रीति काव्य के जो भी प्रमुख भेद हैं, मान के चलिए उसके प्रमुख भेद कितने भी हो सकते हैं, 2 हैं 3 हैं 4 हैं 5 हैं, तो उन पर आपको प्रकाश डालना है। लाइक आप 4 से 5 5 पॉइंट आपको हर भेद के अंदर लिख के दिखाने, उससे आराम से आपका जो पेपर है आराम से क्लियर
वहां पर हो जाएगा। ठीक, जायसी का जीवन परिचय मैंने आपसे कहा है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है। जीवन परिचय की बात करूं तो आप देखिए कुछ गिने चुने आपके फेमस हैं, स्कूल टाइम में भी आपने पढ़े होंगे, आप सूरदास कर लीजिए चाहे, ठीक सूरदास कर लीजिए चाहे, कालिदास कर लीजिए, और आपकी बुक है आपको पता होगा इसमें कौन कौन से, सूरदास हो, कालिदास हो, और आपका मलिक मोहम्मद जायसी हो, कहीं ना कहीं आपको कोई भी दो, इसमें क्या पूछा, जायसी आपसे पूछा है और मीराबाई, इनमें से कोई भी दो आप कर लेना, ये आपको मैं बता दूं 100% आपका ये क्वेश्चन आना है। आप दो, अगर आप चार पढ़ते हैं तो कम से कम दो की संभावना है कि आप कर पाओ, अगर आप एक भी नहीं पढ़ोगे तो वो बात गलत है। अगर आपको सन याद नहीं होती, कम से कम इतना तो याद कर लीजिए इनका जन्म क्या हुआ, किस भाषा में ये रचनाएं करती थी और कहाँ पर ये रहती थी, इतना काम तो आप कर लीजिए। मैं मानता हूँ डेट याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये कुछ जाने माने लोग हैं इनके आपके बारे में। देखिए अगला ही क्वेश्चन मीराबाई की कविता है। अब आप बोलेंगे सर मीराबाई की कविता वाले में तो जीवन परिचय पूछा नहीं, लेकिन आप फिर भी अगर 3-4 पॉइंट लिख देते हैं तो एग्जामिनर जो है वो ये देखता है कि बच्चे को इसके बारे में पता है, आपको कहीं ना कहीं नंबर मिलते हैं उसके, वो बेकार नहीं जाएगा। ठीक, और अभिव्यंजना शिल्प पर प्रकाश डालिए, मीराबाई की आपको कविता बतानी है, आपको मीराबाई के बारे में पता होगा तो क्या थी, कृष्ण की भक्त थी, जो हमारे कृष्ण भगवान है उनकी लीला तो आपको पता है अपरंपार है, 16,000 से कुछ अधिक उनकी जो है वो बताई जाती है प्रेमिकाएं, मीराबाई भी उनमें से एक थी, तो ये कृष्ण भक्ति में अपनी लीन थी, ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण प्रभु के इन्होंने दर्शन भी किए थे, ये इतनी भक्ति में उनकी लीन हो चुकी थी। तो अभिव्यंजन शिल्प पर इनके प्रकाश डालना है और इनके बारे में इनको थोड़ा सा बताना है, और मैंने आपको ये वाला सेक्शन जो बना के दिखाया है इनमें से अगर आप के भी दो कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके कम से कम 20 से 40 नंबर पक्के हैं, कहीं भी नहीं जाने वाले, अगर कोई भी दो आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। याद करने की क्या ट्रिक है, 3 से 4 बार अगर आप लिख लेंगे तो आपको आराम से इनका किसी भी एक या दो का परिचय आपको याद हो जाएगा। ठीक, ये देखिए अगले क्वेश्चन की बात करूं, आपको मैंने 5 दिखा दिए, क्वेश्चन नंबर 6 रहीम, आपको पता होगा रहीम, इसके बारे में तो आपने फोन में भी वो सुना होगा, है ना, फोन में भी आपने सुना होगा रहीम, रहीम के दोहे तो काफी फेमस हैं। रहीम की बात करूं, चाहे आपका वो हिंदू धर्म हो, चाहे आपका वो मुस्लिम धर्म हो, क्या हो, मुस्लिम धर्म हो, इसने किसी भी धर्म की इन्होंने कुरीतियों लाइक जो भी उसमें समस्याएं हैं या जो भी उनमें प्रॉब्लम्स है उनकी क्या की है, इन्होंने यहाँ पर खुलकर बुराई की है। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये अगर मुसलमान थे तो केवल मुस्लिम धर्म की बदनामी, हिंदू धर्म की वो करेंगे, इन्होंने दोनों तरफ की धर्मों की जो जो उसमें परेशानियां हैं, जो जो समस्या है, उनके बारे में इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में लोगों को बताया है। तो ये आपको रहीम की काव्य भाषा और शैली की विशेषताएं यहाँ पर बतानी है। ठीक, सूरदास के काव्य के वात्सल्य पक्ष का विवेचन कीजिए, सूरदास देखिए कितने फेमस है, सूरदास के बारे में पता होगा तो ऐसा कहा जाता है कि बचपन में ही इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ये देखिए अलग अलग बुक्स अलग अलग चीजें हमें बताती हैं सूरदास, और कह दो तो ये भी है, ये भी आपके किसके भक्त है, मेरे ख्याल से ये आपके कृष्ण भक्त है, कौन से भक्त है, सूरदास, ये भी भक्ति में आपके लीन थे, भक्तिकालीन कवियों में इनका नाम आता है। ठीक, तो सूरदास उसके बावजूद भी इनकी रचनाएं बात करूं, इनकी रचनाएं आज काफी प्रचलित हैं, स्कूल टाइम से लेकर आपने काफी पढ़ी होंगी, और आंखें ना होने के बावजूद भी इन्होंने रचनाएं लिखी। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए, ये देखिए मैं अभी अभी आपको समझाते हुए आ रहा हूँ, मैंने आपको जो जो बताया था आप खुद ही देख लीजिए, आपको यहाँ के करना है टिप्पणी करनी है दो पर, और कितनी आपको अभी ये बताया आपने पिछले क्वेश्चन पेपर देंगे तो 200-250 शब्दों में आपको ये टिप्पणी लिखनी होती है। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन देखे राम भक्ति सागर कबीर की रचना है तो अभी अभी ये क्वेश्चन कबीर की रचना है, सूफी संत या बिहारी सतसई, किन्हीं भी दो को आप चूज कर ले, मान के चलिए राम भक्ति और कबीर की रचना आपके लिए आसान होंगी है। तो कबीर के तो आपने दोहे भी सुने होंगे, ठीक, फोन वगैरह में पूरी सीरीज होती है ना, तो उसके बारे में भी अगर आप उसका एक गाना है ना यूट्यूब पर वो भी सुन लेंगे तो भी कबीर के आपको कम से कम 3 से 4 दोहे याद हो जाएंगे कबीर के। ठीक, हालांकि अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं खुद सुना देता आपको कबीर का वो वाला गाना, और बहुत ही फेमस है वो, ये एक याद आ गया, हाँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो इसका मतलब ये है कबीर यहाँ पर कहना चाहते अगर कोई बड़ा है और विशाल है तो उससे क्या हुआ, उससे ये नहीं समझना चाहिए कि वो सदा काम ही आएगा, जैसे खजूर के पेड़ से उन्होंने तुलना करी है, खजूर का पेड़ आपको पता है बहुत बड़ा होता है
और काफी आपका क्या होता है लंबा चौड़ा होता है, लेकिन इसके क्या क्या नुकसान है, किसी को छाया नहीं दे पाता ये, किसी को छाया नहीं दे पाता, और जिस पे फ्रूट्स लगते हैं वो भी काफी दूर लगते हैं, क्या लगते हैं फ्रूट्स भी इस पर काफी दूर लगते हैं। तो कबीर यहाँ कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यहाँ पर पंथी जो कह रहा हूँ, पंथी लाइक जो इंसान जो होते हैं, आपको पता है गर्मी का मौसम चल रहा है आप करते हैं, तो वो वाली है कबीर का, है ना। तो गुरु, गुरु के भी बारे में उन्होंने कहा, गुरु की शिक्षा देखिए, ऐसा कुछ उसमें लाइन थी। तो आपको कबीर के बारे में तो सच बोल रहा हूँ, एक बार यूट्यूब पे इसका म्यूजिक सुन लेना, 4 से 5 आपको धोए फिक्स हो जाएंगे, स्टाल लगा लो इसके लिए, तो कोई रटना भी नहीं है आपको। और बिहारी सतसई इसके बारे में, वैसे दो ही सही है, राम भक्ति और कबीर, इनको आप मत छेड़िए। सूफी संत के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कोई भी ऐसी चीज मत लीजिए जो बहुत ही रेयर टाइप है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको बताया, और अगला वाला मैं लेके आऊंगा, उसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्या बताऊंगा, आपको आंसर बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि उन्हें कैसे करना है, ठीक। तो इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, ठीक, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, धन्यवाद।